हमारा बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का, तो आपको यहीं पे बड़ा इमामबाड़ा भी देखने को मिल जाएगा। ये हमारा विधानसभा भवन, ये देखिए इसको भी बहुत ही शानदार है, देखिए पूरा का पूरा आइटम है, देखिए लोहे का पूरा जो बेस्ट मटेरियल है उसी मटेरियल को यूज किया गया है, देखिए वाह बहुत ही सुंदर। तो गाइस ये हमारा आठवां जो व्यू पॉइंट था, ये हमारा राम मंदिर था, बहुत ही शानदार इस राम मंदिर को बनाया गया है। जो हमारा शेर जो बनाया गया है ये भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या चीज़ से बनाया गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी हम आए हैं यूपी दर्शन पार्क, जो कि हमारा कल को हमारा इसका उद्घाटन हुआ है। सो गाइस आज के इस ब्लॉग में आपको पूरा इस यूपी दर्शन पार्क को दिखाऊंगा, और इस पार्क की खासियत बता दूं गाइस कि यहाँ जो ये पार्क खुला हुआ है, इस पार्क में आपको उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी आपको महत्वपूर्ण जगह है सभी महत्वपूर्ण जगहों को दिखाया गया, जैसे हमारा ताजमहल हो गया, उसके बाद बड़ा इमामबाड़ा हो गया, उसके बाद गोरखनाथ जो मंदिर है गोरखपुर में, उसको जितने भी यहाँ फेमस जगह है सारे फेमस जगहों को इस पार्क के अंदर दिखाया गया है। सो गाइस आज के इस ब्लॉग में आपको सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरा आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा यूपी दर्शन पार्क, और ये हमारा बिल्कुल बन के एकदम रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं कल ही इसका जो हमारा है इनॉग्रेशन हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत इस पार्क को बनाया गया है। तो गाइस चलते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये आपका यूपी दर्शन पार्क आपका लिखा हुआ है, देखिए यूपी दर्शन पार्क, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे फ्रंट में ही बनाया गया है, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है आपका यूपी दर्शन पार्क, ये देखिए। और यहाँ पे हमारा इसका एंट्रेंस गेट है, ये सामने आप देख सकते हैं अभी फूल माला वगैरह सब कुछ अभी लगा हुआ है, क्योंकि कल ही इसका बहुत ही शानदार ये पार्क को बनाया गया है। और चलते हैं अभी अंदर, ये देखिए यूपी दर्शन पार्क बहुत ही शानदार, ये आपको गेट भी जो है बहुत ही शानदार बनाया गया है, और यहाँ से हमारा एंट्री है यहाँ से, और एंट्री होते ही आपको सामने गाइस आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे खाने पीने की बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है। तो अगर आप कुछ भी स्नैक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर खाने पीने का भी सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे। देखिए चिफॉन हिल्स, इसका भी उद्घाटन अभी 2-3 दिन पहले हुआ था, और ये देखिए यहाँ पे आपको ये बॉम्बों की मदद से बांस की मदद से बहुत ही शानदार इसको भी बनाया गया है, और ये सामने आप देख सकते हैं गाइस ये आपका बना हुआ है। और यहाँ पे गाइस आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको इतने चीज़ें आपको इस पार्क के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसमें आप देखते हैं राधा रानी मंदिर, वृंदावन, बड़ा इमामबाड़ा, विधानसभा लखनऊ, गोरखपुर पीठ, गोरखपुर, फतेहपुर सीकरी, तो झांसी का किला, ये सारा कुछ आपको इस पार्क के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर इस पार्क में आपको चित्रण दिखाया गया है, ये देखिए। तो सामने आप देख सकते हैं ये हमारा है टिकट काउंटर, और इसी काउंटर के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राम मंदिर का ये देखिए भव्य यहाँ पे चित्र बनाया गया, ये देखिए ये यहाँ पे जो हमारा टिकट का प्राइस है आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति 60 वर्ष तक के 100 रुपये हैं, और 60 वर्ष से अधिक और 3 से 12 वर्ष का ये 50 रुपये, और 3 वर्ष से जो नीचे बच्चे हैं उनका फ्री में। और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एंट्रेंस है, तो गाइस हमने टिकट वगैरह ले लिया है, 100 रुपये टिकट के प्राइस है, और ये हमारा यहाँ से एंट्रेंस हो, ये देखिए बहुत ही शानदार ये भी आपको गेट बनाया गया है यहाँ पे। फाइनली अभी हम टिकट वगैरह चेक करा के और एंट्री वगैरह हो चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, ये देखिए चारों तरफ आपको रोड के दोनों तरफ आपको बिल्कुल एकदम हरियाली वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और सामने आप देखिए सामने आपको बहुत सारी आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इस यूपी दर्शन पार्क में। सो गाइस फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये हमारा झांसी का किला बनाया गया है, ये देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पे झांसी का किला बनाया गया है, और सामने आप देख सकते हैं ये हमारा घोड़े पे सवार रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर। और दूसरी बात गाइस आपको बता दूँ, ये जो पूरा जो किला बनाया गया है ये देखिए पूरा जो पूरा किला हमारा ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, ये जितना भी आइटम है ये देखिए इसमें जितना भी चीज़ इसको बनाने में यूज हुआ है सारा का सारा इसमें वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है, लोहे का जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सारा इसमें यूज करके बनाया गया, और बहुत ही सुंदर बनाया गया है ये देखिए। तो ये हमारा फर्स्ट में हमारा ये झांसी का किला जो कि बहुत ही शानदार बनाया गया। चलते हैं गाइस आगे,
और अगर मैं आपको थोड़ा मैं इसका दिखा देता हूँ, ये सामने इसका बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ, आपको अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं, ये देखिए। तो गाइस चलते हैं आगे और नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये देखिए रोड काफ़ी अच्छा बनाया है। और यहाँ पे गाइस सेकंड जो हमारा है वो हमारा आगरा का ताजमहल यहाँ बनाया गया है। सो गाइस आपको अभी आगरा जाने की जरूरत नहीं, आपको लखनऊ में ही आपको यहाँ पे ताजमहल देखने को मिल जाएगा। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे ताजमहल देखने को मिल जाएगा, ये देखिए क्या ही बनाया गया है। और देखिए पूरा का पूरा आइटम जितना भी है, जितना भी इसमें आइटम लगाएंगे पूरा ये इसमें वेस्ट मटेरियल का यूज किया गया है। और ये देखिए यहाँ पे ग्रीनरी देखिए, यहाँ पे बहुत शानदार यहाँ पे आपको फव्वारा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ फव्वारा लगाया गया है। रात के समय भी आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अगले बार कभी मैं आपको रात के समय इस यूपी दर्शन पार्क का वीडियो बना के भी दिखाऊंगा। और ये देखिए ये हमारा ताजमहल, यहाँ भी इसका बोर्ड लगा हुआ है और इसका ये इतिहास लिखा गया है, ये देखिए। सो गाइस सामने आप देख सकते हैं, ये हमारा तीसरा जो हमारा फेमस जगह है वो हमारा फतेहपुर सीकरी बनाया गया है यहाँ पे, और बहुत ही शानदार बनाया गया है, देखिए फतेहपुर सीकरी को। तो आपको हर 10 से 15 मीटर की दूरी पर आपको कोई ना कोई फेमस जगह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये हमारा फतेहपुर सीकरी, ये देखिए। और यहाँ पे इसका फतेहपुर सीकरी का जो हमारा इतिहास वगैरह है सब कुछ लिखा गया है, और ये देखिए बहुत ही शानदार। और यहाँ पे गाइज आपको मिल जाएगा मेरा यूपी, यहाँ पे देखिए सामने बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाया गया है। और ये हमारा जो सेल्फी पॉइंट, बहुत ही सुंदर यहाँ पे फोटो वगैरह बैठ के आराम से खिंचवा सकते हैं। और यहाँ से गाइज आपको जो हमारा तीसरा जो हमारा आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा बांके बिहारी मंदिर, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आपको बांके बिहारी मंदिर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत इस पार्क को बनाया गया है, ये देखिए बांके बिहारी। मैं थोड़ा आपको नजदीक से दिखाता हूँ, ये देखिए। और हर जगह पे यहाँ पे आपको रात के समय आपको देखिए लाइटिंग वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई है, तो रात के समय कुछ और ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार और व्यू आएगा इसका, ये देखिए। और ग्रीनरी आप देख सकते हैं। सो गाइस हमारा तीसरा जो फेमस जगह था ये हमारा बांके बिहारी मंदिर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको राधा रानी मंदिर, ई मंत्रा, बड़ा इमामबाड़ा और विधान भवन, ये सारा कुछ आपको लेफ्ट साइड में होकर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी पहले राधा रानी मंदिर की तरफ, ये देखिए क्या यहाँ पे बनाया गया इसको, ये हमारा राधा रानी मंदिर, और बहुत ही ब्यूटीफुल आपको बनाया गया है। देखिए आपको अनयूज जो हमारा मटेरियल है उसी उसको कितना सुंदर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है, देखिए सामने आप बैठ के भी यहाँ से देख सकते हैं, एक यहाँ बनाया गया है और एक ये मेरे पीछे है, देखिए यहाँ भी आपको बैठने के लिए बनाया गया है। सो गाइस आपको थोड़ा ये यहाँ पे ब्लैक आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा इस तरफ पड़ रहा था। चलते हैं आगे और आगे आपको दिखाते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये देखिए। सो गाइस ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक बहुत खूबसूरत बनाया गया है, और यहाँ पे बनाया गया है आपका ई मंत्र बनाया गया है, ई मंत्रा है ये। और इसका ये देखिए यहाँ पे हिस्ट्री आपको ये रुद्राज से काफी मिलता जुलता है। बिल्कुल एकदम रुद्राज की तरह ये बिल्कुल बनाया गया है इसको। और सामने गाइस आप देख सकते हैं, ये हमारा छठा जो व्यू पॉइंट है, ये हमारा बड़ा इमामबाड़ा, ये देखिए लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, बहुत ही शानदार यहाँ पे बनाया गया है, ये देखिए। क्या ही बनाया गया इसको, ये देखिए। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैठने के लिए, बैठ के देखने के लिए आपको बनाया गया है यहाँ पे, देखिए दोनों तरफ सीटिंग की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर है हमारा बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का। और सातवां जो आप देख रहे गाइस ये है हमारा विधानसभा भवन, ये देखिए इसको भी बहुत ही शानदार है, देखिए। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार ये देखिए विधानसभा भवन को बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए कितना इसमें जो मटेरियल जो यूज किया गया है ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा आइटम है, देखिए लोहे का पूरा जो बेस्ट मटेरियल है,
उसी मटेरियल को यूज किया गया। ये देखिए, मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए, को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे राम मंदिर, देवीपट्टन मंदिर, गोरखनाथ मंदिर और महापरिनिर्वाण मंदिर, चार चीज इसको आपको आगे इसमें आगे देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं और आपको फटाफट दिखा देते हैं पूरा चीज, पूरा यूपी दर्शन पार्क का आपको दर्शन करा देते हैं। और वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि काफी लंबे चौड़े एरिया में इस पार्क को बनाया गया है। और शाम के समय आप अगर घूमने आते हैं तो शाम के समय ही आए क्योंकि उसमें लाइट वगैरह भी जल जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा उसमें। और ये देखिए सामने आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा राम मंदिर। ये देखिए, बहुत ही शानदार यहाँ भी इसको बनाया गया है राम मंदिर को। और देखिए यहाँ भी इसको भी पूरा वेस्ट मटेरियल की, जो हमारा लोहे की जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी की मदद से बनाया गया है राम मंदिर को। वाह, बहुत ही सुंदर। तो गाइस ये हमारा आठवां जो व्यू पॉइंट था, ये हमारा राम मंदिर था। बहुत ही शानदार इस राम मंदिर को बनाया गया है। और नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा देवीपट्टन मंदिर। ये देखिए सामने ये आपको देखने को मिल जाएगा देवीपट्टन मंदिर, बहुत ही शानदार। ये देखिए तो गजब का बना रखा है इस पार्क को। ये देखिए क्या ही बनाया गया इसमें देवीपट्टन मंदिर को। ये देखिए सामने ये पूरा, वाओ। और नेक्स्ट जो गाइस हमारा आपको देखने को मिल जाएगा ये हमारा गोरखनाथ मठ। ये देखिए यहाँ पे आपको गोरखनाथ मठ देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही शानदार बनाया गया है गोरखनाथ मठ को भी। ये देखिए यहाँ भी आपको थोड़ा धूप से थोड़ा सा उल्टी दिशा में आ रहे हैं, इसलिए धूप से थोड़ा ब्लैक में आ रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये हमारा है गोरखनाथ मठ। और यहाँ पे ये बनाया गया है महापरिनिर्वाण मंदिर को दिखाया गया है। ये देखिए बहुत ही शानदार। यहाँ पे चलते हैं गाइस सामने, इसके बाद फिर आपको मिल जाएगा ओवरब्रिज। और ब्रिज बहुत बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया। ये देखिए सामने आपको बतख, ये देखिए दो बतख आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे। और बोटिंग की भी सुविधा यहाँ पे है इस पार्क के अंदर, आपको बोटिंग की भी सुविधा मिल जाएगी। ये देखिए बोट वगैरह भी है, ये देखिए तो बोट वगैरह बोटिंग की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे है। और ये भी जो आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये देखिए ये भी आपको पूरा जो पाइपें हैं, जो आपको वेस्ट पाइपें हैं, सब उसी की मदद से आपको जोड़ तोड़ के बनाया गया है। और बहुत ही सुंदर सुंदर, ये देखिए तो ये है हमारा पूरा, इसमें आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें आपको शेर, हिरन, बाघ, शुतुरमुर्ग आगे सब आदि सब कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये देखिए ये हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को दिखाया गया है यहाँ पे। गैंडा वगैरह सारा कुछ आपको इस उद्यान में देखने को मिल जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कि क्या चीज़ से बनाई गई, जो हमारा बाइक की या मोटरसाइकिल जो साइकिल चैन होता है उस चैन की मदद से। देखिए और ये सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो बाइक वगैरह में जो सब कुछ लगा रहता है उसी आइटम से पूरा ये बनाया गया है। ये देखिए ये पूरा बाघ, ये देखिए क्या ही बनाया गया है, पूरा वेस्ट मटेरियल को क्या यूज किया गया है। ये सामने आप तो सारा कुछ आपको इसी मटेरियल से आपको बनाया गया है। और यहाँ पे गाइस आपको नेक्स्ट जो दिखाया गया है ये हमारा कुंभ मेला। ये देखिए हमारा ये कुंभ मेले को सारे ऋषिगण को दिखाया गया है, तो बहुत ही शानदार है कुंभ मेले को दिखाया गया है। देखिए ये हमारा कुंभ मेले को, जो कि हमारा इलाहाबाद में जो हमारा कुंभ मेला लगता है। तो गाइस चलते हैं अभी आगे, और आगे आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत ही शानदार आपको ये बांस का, जो बांस को उसको काट के बनाया गया पतला पतला करके, बहुत ही शानदार। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट गाइस आपको देखने को मिल जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। ये देखिए बहुत ही भव्य यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर को भी बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास देखने को मिल जाएगा। ये हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। और ये देखिए वाह क्या बनाया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर को भी। ये देखिए मैं थोड़ा आपको सामने से होकर दिखाता हूँ। ये देखिए ये है हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर को भी। चलिए मैं आपको थोड़ा इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर।
और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे आप मिल जाएगा एक खुला ग्राउंड आपको, और इसमें बहुत सारी आपको चित्र यहाँ पे बनाई गई हैं, ये देखिए। और यहाँ पे आपको मिक्की माउस भी लगाया गया है छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को खेलने के लिए मिक्की माउस भी लगाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे चित्रण किए गए हैं, कम से कम 6-7 यहाँ पे चित्रण है। और सामने आप देख सकते हैं ये आपका मिक्की माउस भी लगाया गया है बच्चों के, खास छोटे बच्चों के खेलने के लिए, ये देखिए। और गाइस काशी विश्वनाथ मंदिर देखने के बाद आपको उसके बगल में देखने को मिल जाएगा विंध्याचल मंदिर, और ये आप सामने देख सकते हैं ये हमारा विंध्याचल मंदिर को बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत ये देखिए विंध्याचल मंदिर है, क्या कहने हैं इसका, जो भी चीज़ें बनाया गया यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, ये हमारा विंध्याचल मंदिर। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से एक व्यू देखिए आपका यूपी दर्शन पार्क का, बहुत ही शानदार व्यू है इस पार्क का आप देख सकते हैं। और अभी हम आ गए हैं एग्जिट पॉइंट पे, और ये देखिए यहाँ से हमारा एग्जिट होता है, ये देखिए। और पार्किंग वगैरह के लिए देखिए आपको गेट से एंट्री होते ही आपको 2-व्हीलर हो चाहे 4-व्हीलर हो आपको पार्किंग मिल जाएगी, फिलहाल अभी तो पार्किंग का कोई पैसा चार्ज में नहीं ले रहे हैं। तो गाइस चलते हैं अभी, और ये हमारा आ गया एग्जिट पॉइंट, और यहाँ से अभी हम हो जाएंगे बाहर, ये देखिए। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको पूरा यूपी दर्शन पार्क को दिखाया, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो पार्क है, इस पार्क में जो एंट्री फीस है, ये हमारा एंट्री फीस 100 रुपये 12 साल से लेके 60 साल तक के आपको 100 रुपये, 60 साल से ऊपर आपको 50 रुपये, और 12 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनका कोई किराया नहीं है। तो गाइस ये है पूरा हमारा यूपी दर्शन पार्क, और एक बार जरूर इस पार्क में विजिट करें, पार्क बहुत ही शानदार बना हुआ है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।